तो देखो गाइस, हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग कोरियन रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को एक के ड्रामा की एक्सक्लूसिव हिंदी अपडेट दिया था, जहाँ मैंने आप सभी को रिपोर्ट किया था 2015 में रिलीज हुई द टाइम वी वर नॉट इन लव, इसके हिंदी डब की कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है। तो आखिरकार इसकी हिंदी डबिंग का वर्क है वो इंडियन डबिंग स्टूडियो में कम्प्लीट हो चुकी है, जिसका मतलब है कि अब आपको ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। और अभी की जो करंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी सीजन 1 की सभी 16 एपिसोड है वो अमेज़न मिनी टीवी पर मई के महीने में देखने को मिल जाएगी। और बता दूं कि अभी इस सीरीज को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो जो भी हो, चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग काफी दिनों से कमेंट करके पूछ रहे थे कि मंकी मैन हमें हिंदी में कब तक देखने को मिलेगी। तो उन सभी को बता दो कि मंकी मैन की जो डिजिटल प्रीमियर है वो हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, बट इंडिया में इसके डिजिटल प्रीमियर वो अभी होना बाकी है। तो ऐसे में चांसेस है कि आपको जो मंकी मैन है वो हिंदी डब में डिजिटली देखने को मिल जाए प्राइम वीडियो के स्टोर या फिर बुक माई शो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एक बात यहाँ नोट कीजिए कि इसके हिंदी डब की जो फुल्ली कंफर्मेशन है मुझे नहीं मिल पाई है, लेकिन जो रूमर्स है उसके मुताबिक आपको इसके हिंदी डब वर्जन है वो देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से आपको मई के बिगनिंग या फिर मिड तक देखने को मिल सकता है इंडियन वर्ड सर्विस पर। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग साइंस फिक्शन टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि रशियन साइंस फिक्शन मूवी मीरा ये मूवी आप सभी को बहुत ही जल्द इंडियन वर्ड सर्विस यानी बुक मशो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम जैसे लैंग्वेजेस में बायरेंट सर्विस पर देखने को मिल जाएगी 30 अप्रैल से बुक मशो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। तो जो भी हो, चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साउथ कोरिया की इसी साल रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्स्यूमा, इसकी हिंदी डब हमें इंडिया में देखने को मिलेगी या नहीं। तो उन सभी को बता दूं कि इसकी जो इंडियन राइट्स है वो है इम्पैक्ट फिल्म के पास। जी हां गाइस, उनके तरफ से ऑफिशियली भी कंफर्मेशन किया गया था ट्विटर के थ्रू कि वो इस मूवी को इंडियन थिएटर में ला रहे हैं इंडियन ऑडियंस के लिए। लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल के नहीं आ पाई है कि आखिर ये मूवी है वो कब तक रिलीज होगी इंडियन थिएटर में। तो यहां पर ये भी नोट कीजिए कि इसकी जो डिजिटल प्रीमियर है वो फर्स्ट टाइम हो चुकी है साउथ कोरिया के वर्ड सर्विस पर। और अभी की जो करंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी फर्स्ट टाइम इंग्लिश डब लैंग्वेज की डिजिटल प्रीमियर है वो प्राइम वीडियो के US रीजन में वो मई या फिर जून के महीने में होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो ऐसे में अगर जो लोग इस मूवी को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो उन सभी को बता दूं कि आपको इसकी हिंदी डब को वर्ड सर्विस पर यानी डिजिटली इंडिया में देखने के लिए काफी लंबा वेट करने को पड़ सकता है, क्योंकि इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस की तरफ से। तो ऐसे में कम से कम नहीं है तो आपको 4 से 5 महीने का भी वेट करने को पड़ सकता है इंडिया में डिजिटली इस मूवी को हिंदी डब में देखने के लिए। लेकिन इतना कंफर्म कर दूं, ये मूवी आपको डेफिनेटली हिंदी डब में देखने को मिलेगी इंडिया में, कब इस बारे में आपको फुल्ली कंफर्म नहीं कर सकता हूं। तो जो भी हो, अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर।